यह है जबलपुर भोपाल मार्ग पर भेड़ाघाट चौराहा। जबलपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ाघाट एक गांव है। वहां पर नर्मदा का पानी एक बड़े झरने के रूप में गिरता है, इसलिए यह स्पॉट धुआंधार फॉल्स कहलाता है। पंचवटी घाट से नौका विहार प्रारंभ होता है। पश्चिम की ओर बहने के बाद नर्मदा भेड़ाघाट के संगमरमरी नगरी में प्रवेश करती है। यहाँ पर नदी अपनी चौड़ाई की तिहाई भाग तक सिकुड़ जाती है और 32 मीटर की ऊंचाई वाली शक्तिशाली एवं संगमरमरी चट्टानों के मध्य से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होकर निकलती है। यह भेड़ाघाट का एक ऐसा सौंदर्यमयी अद्भुत दृश्य है। संगमरमरी चट्टानों के सौंदर्य को दिखाते हुए नौका विहार के चालक पर्यटकों को अनेक प्रकार की कथाएं एवं जानकारियां मनोरंजक तरीके से सुनाया करते हैं। आइए हम भी जरा इस गाइड की कथाओं का आनंद लेते हैं। बच्चे लोग देखो बहुत ही कुछ साइड करेंगे पूरा साल है आप लोग। हाँ ये देखो नीले कलर के संगमरमर दे दी आप लोग, ये हल्का नीला लाइट ब्लू, यहाँ से बोर्ड की कमेंट भी थ्रू, ये पूरा लाइट ब्लू मार्बल देखिए, यहाँ पानी की गहराई है 220 फीट और बरसातों में आती है बाढ़, ये भर जाते पूरे साल और बंद हो जाता नौका विहार, ये 15 जून से बंद हो जाता है, 15 अक्टूबर में चालू होता है। ये नेचुरली ब्यूटी और कटर लगी ड्यूटी खराब नहीं करते नेचुरली, बंदर तोड़ना गोली चलाना मछली मारना ना डलाओ मंडी सुसाइड अलाउड सुसाइड अलाउड बाकी ना डलाओ, ये देखिए पूरा हाथ मार रहे हैं, ये सब पंद्रह में बनना है, मोटरबोट जाने से आवाज समझ नहीं आती है। आगे देखिए हल्का गुलाबी, ये छोटी वाली चट्टान आएगी थोड़ा पिंक कलर देखिए, उसमें लाइट पिंक पिंक इन व्हाइट मार्बल देखेगा, यही का एक शूटिंग था प्रेमण जाए पर बचन न जाए, सुनील दा प्रेमनाथ का मारपीट शटिंगबाजी अंधा। पत्थरों का सीना चीरकर भेड़ाघाट की भूल भुलैया में प्रवाहित होने वाली नर्मदा का स्वच्छ पारदर्शी शांत जल कलकल छल छल करता नीले गगन के नीचे सफेद बर्फेली नुमा संगमरमरी चट्टानों के बीच सूर्य अपने प्रकाश का तेज खोकर सोने की गेंद की तरह परिवर्तित हो जाता है। जो सही बताएगा उसको यहीं उतारा जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बाजी में ले लेगा, बाजी में ले जाएगा, बर्फ होने लगा तो उनके डमी गिरा दे,
वो लगाएंगे तो एक बार से दोबारा पिक्चर में नहीं आएंगे। पार्ट तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप लोग बाबूजी, ये मोटेल होटल एमपी टूरिज्म वालों का टूरिस्ट मोटेल, मोटेल होटल रुकने का ऑनलाइन का टोटल, सब रुकने को मिलती है मोटेल और ज्यादा पियोगे बोतल बढ़ जाएगा टोटल। जिसकी नई नई शादी होती है उसी को बुकिंग करते, दोबारा आते तो धर्मशाला ढूंढते। इतनी बार में रोड में कटोरा लेती। ये देखिए पत्थर में थे लगाइए भेज, कैसे हो गए पत्थर में थे। ये क्या है कि पानी की मार से निकल जाते, जो कच्चा मार्बल होता ना वो पानी की प्रेशर से निकल जाता है, इसलिए होल्स बन जाते। ऐसा लगता है किसी ने फायरिंग किया हो, कौन करेगा, कंपनी खाली हो जाएगी। और साइड में देखिए एक मारुति कार एक्सिड है, ये वन साइड बेल्ट जो तिरछा काला पत्थर पड़ा है, वही लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वन साइड बेल्ट हो गया, ऐसा तिरछा पड़ा है। जो पी के चढ़ाता है तो ऐसे एक्सीडेंट कर लेता है। सर कल्पना करिए, समझोगे तो वार्ड है, नहीं समझोगे तो वार्ड है, नहीं समझोगे मोड़ो ना झूठ है बेड़ा घाट। कल्पना करना पड़ता है थोड़ा मेरी सर। देखो पानी वाला काम कहता है ये देखिए आप लोग, नीला पीला व्हाइट देखो दोनों साइड, और कमेंट भी दे रहा नरेश भाई। ऊपर देखिए और नेचुरल एम्बेसडर था, वो हिंदी में लिखा ऊपर राहत कुमार, और पंचर हो गए सभी नहीं, जेब तो गाड़ी रखी है। इतना ऊपर देखिए कार जैसे लगता है, कार लग रही है, बहुत कार की कार हो गई बेकार, लगी रही है चार गाड़ी रखी है। ये तो लिखा है देखिए भाजी। देखो बच्चे लोग थोड़ा साल है, ये देखो मगरमच्छ का हेडक्वार्टर, ये पत्थर गिरे हुए सामने, यही मगरमच्छ रहता है फिर फैमिली। एयर कंडीशन लैट्रिन बाथरूम अटैच, पूरी फैमिली अंदर रहती है। ज्यादा सर्दी में कभी सनबात लेती थी तो दिख जाती थी ऊपर। मधुमक्खी का छत्ता, पत्थर मारो शहद खाओ, काटे तो डंगल के दबा जाओ। और इससे भी खूबसूरत नजारा तो रात का होता है, जब आसमान में फैले तारे और चांद भेड़ाघाट के शांत जल में चमकते हैं। ऐसा लगता है मानो करोड़ों जुगनू जल के आईने की तरह अपनी खूबसूरती निहार रहे हो, और चांद पानी में जरा सी हलचल से नृत्य शुरू करने लगता हो। ये देखिए भाजी आप लोग, शंकर जी का नंदी बोल बैल, जब देखिए आप लोग इंदौर की महारानी ने सामना किया था, क्या क्या भाई उनका कोई बीच चाबू का देखेगा तो फूल को रखा। ये नर्मदा उठी जाती है सर सूरत से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट बहती नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती उल्टी बहती है, ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से नर्मदा जाती है। ये हमारे ये देखिए सामने बंदर पूरी पहाड़, वो पहले पास पास से सब घूम जाते थे बंदर, अब पूरा बंदर तो जाएगा 600 फुट अंदर। यही चीज मिलता है पेंटिंग कार्ड ग्रेडिंग कार्ड, कांच के अंदर भी मिलता ना, यही सामने वाला मिलता है जो अशोका फिल्म में मिलता ना, जो गाना वो करीना वाला जो गाना होता है राम का कथा, बस गया नहीं मेरा नकीला बदन गाँव में ले ले बदन, हल्की करीना बोल रहा उसको बाहर ही करीना, मई का था महीना ज्यादा पसीना उसका डांस लगता है। देखिए सर बंदर पूजनी देख लीजिए, यहीं से बाबे सपना बहाव ज्यादा है, आगे देखिए न्यू बेड़ा घाट दिखेगा, वो ऊपर जो लाल छतरी है ना रेड वाली,
वो तो ले जा रहे यार, कुछ नहीं है आगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो जा क्या है उनको पैसे देकर जाके दिया नहीं, कुछ नहीं है मैम सीन, यही है मैम सीन है, कुछ नहीं वहाँ भी नहीं जो आगे 30 रुपए वाले तो हैं घूमने लगे, वो 40 लिया दस दस अरे अरे आप पूछ लेना ना सर, अच्छा हम लोग नहीं देते ना, देखो नहीं यहाँ पे चीज को मैं देते वाटरफॉल का प्रेशर ज्यादा रहता ना फॉल्स का, उसके करीब ज्यादा पानी रहता था, ये 20 रुपए में दंड लगा था लगवा इस नदी के एक सकरे स्थान पर जहां संगमरमरी चट्टानें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, उसे बंदर कोदनी का नाम दिया गया है। दरअसल नौका विहार का आखिरी छोर यही है। इस अनंत सौंदर्य को निहारते हुए आंखें नहीं थकती और कानों में लगातार गूंजने वाली कल कल छल छल की ध्वनि सुनकर पर्यटक आत्मविभोर हो उठते हैं। ये देखिए शायद कपूर की टोपी लगती है, वो देखिए सर, देखिए एक पत्थर का साधु, लंबा पत्थर टॉप पे ऊपर जो सीधा है ना सर, साधु बैठा अकेला, धक्का दे रहा हरानी केला, साधु नहीं गिर रहा केला, देखो बाबा भेड़ाघाट के पास ही 64 योगिनी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। 10वीं शताब्दी में स्थापित यह मंदिर अब भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। बीच में बना यह मंदिर नंदी पर सवार शिव पार्वती का है, जिसे ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में ऐसा कहीं भी नहीं है जहां शिव पार्वती नंदी पर सवार हों। प्राचीन काल से ही यह स्थान शक्ति पूजा का केंद्र था। आज भी 64 योगिनी के रूप में गोंडवाना कालीन देवी प्रतिमाएं शोध का विषय बनी हुई हैं।
महिलाओं के साजो श्रृंगार और घरेलू सजावट की कलाकृतियां यहां मिलती हैं। हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहां पर संगमरमर से बनाई जाती हैं, जिन्हें भक्तगण अपने घरों से लेकर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करते हैं। भेड़ाघाट की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। ये संगमरमरी कलाकृतियां जो यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं, इन पत्थरों पर लोग अपना नाम खुदवा कर लिखवाते हैं। इन कारीगरों का यही एक पुश्तैनी व्यवसाय भी है। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत के उत्तर तथा दक्षिण को सांस्कृतिक रूप से विभाजित करती है। यह उत्तरी अंचल के विंध्य पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक से निकलती है। से टकराकर नीचे गिरना और रफ्तार इतनी कि पानी का 40% भाग धुएं की तरह ऊपर वातावरण में फैल जाता है। इस तरह का परिवेश इतना अद्भुत और इंद्रधनुषीय हो जाता है, जिसे देखकर पर्यटकों के अल्फाजों में धुआंधार की तारीफ में वाह निकल ही जाता है। अब भेड़ाघाट का आनंद आप रोपवे से भी उठा सकते हैं। भेड़ाघाट विकास प्राधिकरण की तरफ से यह संचालित होता है। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की 100 फुट ऊंची चट्टाने धुआंधार फॉल्स की खासियत है, जो आपकी आंखों को सुकून देकर मन मोह लेती है।
भेड़ाघाट की उत्पत्ति भेड़ा शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मिलना, अर्थात यहाँ दो नदियों का संगम होता है, नर्मदा एवं पावन गंगा।